एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों मदरबोर्ड रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज बताएंगे जो मदरबोर्ड में 8 पिन आईसी स्टेप डाउन आईसी लगी होती है उसकी जो 8 पिन होती है, 8ों पिन को हम कैसे जान सकते हैं, जो 8 पिन लगी होती है वो 8ों पिन कैसे काम करेगी, VCC सप्लाई क्या हो सकती है, अनेबल वोल्टेज क्या हो सकती है, जो फीडबैक होगी फीडबैक में क्या वोल्टेज हो सकता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेक्शन बनाया जाएगा जिसमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा होगा, उसमें कितनी वोल्टेज हो सकती है, आउटपुट में कितनी वोल्टेज हो सकती है, और जो स्मूथली एक कैपेसिटर लगा होगा जो स्मूथली चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करेगा, यानी आईसी को स्मूथली चालू कराएगा और स्मूथली स्टॉप कराएगा। कोई भी स्टेप डाउन आईसी है ज्यादा वोल्टेज देकर आउटपुट में कम वोल्टेज लिया जाता है। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो 8 पिन होती है वह कैसे काम करेगी, उसमें जो एक एक पिन होगी एक एक पिन का क्या काम होगा, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर, इसका 4 पार्ट बनेगा। 4 पार्ट में जो पहला पार्ट बनेगा, पहला पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे थ्योरी में कैसे ट्रेस कर सकते हैं, पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली में हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, पार्ट 3 में आप लोगों को दिखाएंगे कि थ्योरी में क्या क्या वोल्टेज कहाँ कहाँ बन सकता है, और पार्ट 4 में दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली हम वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।